क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजडीज इज कॉल्ड द ट्रेजडी ऑफ रिफ्लेक्शन। शेक्सपियर की जो ट्रेजडीज हैं, उनमें से कौन सी ट्रेजडी द ट्रेजडी ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाती है? किंग लियर, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो। तो दोस्तों, द करेक्ट आंसर है हैमलेट इज कॉल्ड द ट्रेजडी ऑफ रिफ्लेक्शन। द ट्रेजडी ऑफ रिफ्लेक्शन, ध्यान से सुनिए, हैमलेट इज कॉल्ड द ट्रेजडी ऑफ रिफ्लेक्शन। आइए कुछ अतिरिक्त जानकारी आपको दे देता हूं। हैमलेट इज ए रिवेंज ट्रेजडी। जैसा कि आपको मालूम है, हैमलेट एक रिवेंज ट्रेजडी है। रिवेंज का मतलब बदले की भावना। इसमें भी पिता की मृत्यु का बदला हैमलेट के द्वारा, सीनियर हैमलेट की मृत्यु का बदला लिया जाता है। इसीलिए इस ट्रेजडी को रिवेंज ट्रेजडी कहा जाता है। इट इज द ट्रेजडी ऑफ रिफ्लेक्शन एंड मॉरल सेंसिटिविटी। ध्यान रखिएगा, यह ट्रेजडी ऑफ रिफ्लेक्शन है। इस ट्रेजडी को ट्रेजडी ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। हैमलेट इज शेक्सपियर्स लॉन्गेस्ट प्ले। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है दोस्तों, हैमलेट इज शेक्सपियर्स लॉन्गेस्ट प्ले। हैमलेट शेक्सपियर का सबसे लंबा प्ले है। नेक्स्ट पॉइंट, हैमलेट इज ए रिवेंज ट्रेजडी बेस्ड ऑन थॉमस किड्स स्पेनिश ट्रेजडी। दोस्तों, हैमलेट जो है वो थॉमस किड के द्वारा लिखी गई स्पेनिश ट्रेजडी से सोर्स के रूप में इसको लिया गया है। तो इट इज बेस्ड ऑन स्पेनिश ट्रेजडी रिटन बाय थॉमस किड। जहां तक मुझे जानकारी है दोस्तों, इस स्पेनिश ट्रेजडी में इसी से शुरुआत मान ली गई है, रिवेंज ट्रेजडी की। और इसमें एक पिता अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लेता है, और यहां पर हैमलेट में एक पुत्र अपने पिता की मृत्यु का बदला लेता है। तो ध्यान रखिएगा, द ट्रेजडी ऑफ रिफ्लेक्शन भी हैमलेट है, रिवेंज ट्रेजडी भी हैमलेट है, और इसको अ डिलेइंग ट्रेजडी भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, डिलेइंग ट्रेजडी भी इसको कहा जाता है, लॉन्गेस्ट प्ले भी इसको कहा जाता है, सबसे लंबा प्ले है ये, और ये बेस्ड है थॉमस किड की स्पेनिश ट्रेजडी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन। जो शेक्सपियर के शुरुआती प्लेज है, उनको किस समय लिखा गया, कब से कब तक के बीच में? तो आपको बहुत अच्छे से दोस्तों याद होगा कि शेक्सपियर के जो शुरुआती प्ले हैं, एक्चुअल में तो शेक्सपियर के प्लेज की एग्जैक्ट डेट दोस्तों पता ही नहीं है। उस पर बहुत सारे डिबेट हो चुके हैं, बहुत सारे क्रिटिक्स के अलग अलग विचार हैं, बहुत सारे क्रोनोलॉजी राइटर्स के अलग अलग विचार हैं। तो जो फिर भी एक ओवरऑल आइडिया लिया जाता है दोस्तों, वो 1590 से 1595 के बीच, 1590 से 1595 के बीच का जो समय है वो उनके स्टार्टिंग प्लेस का समय है। और आपको यहां पर एक जानकारी और दे दो दोस्तों, 1590 से 1595 में इन्होंने अपने शुरुआती हिस्ट्री प्लेस और टाइटस एंड्रोनिकस लिखा है।
अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दीजिए, यदि आपसे पूछा जाए विच इज द फर्स्ट प्ले या विच इज कंसिडर्ड द फर्स्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर, तो आपको ध्यान रखना है कि शेक्सपियर का पहला प्ले जो है दोस्तों वो टाइटस एंड्रोनिकस को माना जाता है। टाइटस एंड्रोनिकस को शेक्सपियर का फर्स्ट प्ले माना जाता है। अगर ये न दिया हो दोस्तों तब आप हेनरी पार्ट वन पार्ट टू आदि पर निशान लगा सकते हैं। टाइटस एंड्रोनिकस, थोड़ी सी अतिरिक्त जानकारी आपको देता हूं। द अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन 1519 एंड 1595। तो जो शुरुआती प्लेज हैं दोस्तों वो 1590 से 1595 के मध्य में लिखे गए हैं। उसके बाद दोस्तों बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की। शेक्सपियर्स रेपुटेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन लंदन बाय 1592। शेक्सपियर की जो रेपुटेशन है एक ड्रामेटिस्ट के रूप में, एक राइटर के रूप में, वो लगभग 1590 से 1592 में उनको अच्छे राइटर के रूप में या एक ड्रामेटिस्ट के रूप में जाना जाने लगा। इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट शेक्सपियर रोट हिज अर्लीस्ट प्ले, और यह वह समय था जब शेक्सपियर ने अपने शुरुआती प्लेज लिखे। अब इन शुरुआती प्लेज में कौन कौन से प्ले हैं दोस्तों, तो इट इंक्लूड्स हेनरी फोर्थ पार्ट वन, हेनरी सिक्स्थ पार्ट वन, हेनरी सिक्स्थ पार्ट टू, हेनरी सिक्स्थ पार्ट थ्री, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, और इसके बाद एक नाम आता है दोस्तों टाइटस एंड्रोनिकस। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाइटस एंड्रोनिकस को उनका फर्स्ट प्ले समझा जाता है, माना जाता है। दो इट इज ऑफन डिबेटेड विच ऑफ दीज प्लेज वाज एक्चुअली द फर्स्ट। देखिए मैंने आपको बताया कि ये बहुत बार इस बात पे डिबेट हो चुका है कि इनमें से कौन सा प्ले पहला है, सबसे पहले नंबर का है, फिर दूसरे नंबर का। तो कुछ बच्चे ग्रुप के अंदर भी डिस्कस कर रहे थे कि सर इनकी एग्जैक्ट डेट क्या है। तो सच बात मैंने आपसे उसी समय कहा था कि आप शेक्सपियर के प्लेस की जो ड्यूरेशन डेट है उसको बस याद कर लीजिए, जो एग्जैक्ट डेट है वास्तव में शेक्सपियर के प्ले की वो कोई किसी की पर्टिकुलर जानकारी नहीं है। तो जो लमसम जानकारी है आप उसी को पर्टिकुलर याद कर लें, जनरली शेक्सपियर के प्लेस की डेट नहीं पूछी जाती है। हाँ ऐसा मत कीजिएगा कि कोई प्ले जैसे टाइटस एंड्रोनिकस है तो उसको 1590 में मानते हैं, कुछ लोग 1599 में भी उसको 1589 में मानते हैं, कुछ लोग 91 में मानते हैं। अब आप ये नहीं कर सकते कि 1590 से 91 को छोड़ करके आप सीधे कहो कि 1598 में, नहीं इतना डिफरेंस नहीं है, एक दो साल का डिफरेंस आप लेकर के चल सकते हैं इनके प्लेस को याद करने में। तो 1590-91 में टाइटस एंड्रोनिकस समथिंग, ये जो प्लेस हैं हिस्ट्री प्लेस जो अर्ली प्लेस कहे जाते हैं ये लिखे गए। तो जो फिक्स डेट है दोस्तों वो एक्चुअल में किसी को नहीं पता है, इस पर बहुत सारे डिबेट्स हुए, तो आप परेशान ना हो, एक ड्यूरेशन डेट आप जरूर याद कर सकते हैं। आगे अगला पॉइंट है दोस्तों, शेक्सपियर्स फर्स्ट प्रिंटेड वर्क्स वर टू लॉन्ग प्लेस। शेक्सपियर की जो सबसे पहले प्रिंटेड वर्क्स हैं दोस्तों वो लॉन्ग पोएम्स है, टू लॉन्ग पोएम्स, दो लंबी कविताएं। और वो कविताएं कौन सी हैं दोस्तों, पहली है वीनस एंड एडोनिस, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वीनस इज द गॉडेस ऑफ लव, और ये
एडोनिस नामक लड़के से प्रेम करने लगती है, और दूसरी है द रेप ऑफ लूपी। दोस्तों ये पोएम आपको जरूर एक बार कम से कम पढ़नी चाहिए, द रेप ऑफ लूपी 1594। तो ये प्रिंटेड पोएम अगर आपसे पूछता है, प्रिंटेड वर्क पूछता है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि प्रिंटेड वर्क में जो कविता है वीनस एंड एडोनिस है और द रेप ऑफ लूपी। दीज टू ऑफ शेक्सपियर्स पोएम्स वर बोथ डेडिकेटेड टू, देखिए मैंने आपसे कहा था कि जो भी टीजीटी के राइटर्स है उनके ट्रिब्यूट्स, उनकी फेमस कोटेशंस और उनके जो वर्क्स हैं उनका डेडिकेशन आप जरूर याद रखें। कौन सा वर्क किसको डेडिकेट है, समर्पित है, तो आप देखिए कि दीज टू पोएम्स, ये जो शेक्सपियर के दोनों पोएम्स हैं कौन कौन सी, वीनस एंड एडोनिस और द रेप ऑफ लूपी, डेडिकेटेड टू हेनरी रॉड्सले। ये हेनरी रॉड्सले को डेडिकेटेड है, ये पक्का आप क्वेश्चन याद कर लीजिए। थर्ड अर्ल ऑफ सदम्पटन, जो कि अर्ल ऑफ सदम्पटन है। तो दोस्तों यहां पर एक पॉइंट बड़ा स्पष्ट आप कर लीजिए कि हो सकता है विकल्प में, ऑप्शन में नाम दिया हो हेनरी रॉड्सले, और अगर नाम न दिया हो दोस्तों तो फिर अर्ल ऑफ सदम्पटन दिया होगा अर्ल ऑफ सदम्पटन या हेनरी रॉड्सले। नाम ना दिया हो तो फिर आपको इसको सेलेक्ट करना होगा। Who had become his patron? जो उनके मालिक बन गए, या यूं कहिए कि वो उनके साथी एक रिच व्यक्ति थे। आगे देखिए, शेक्सपियर्स फर्स्ट प्रिंटेड वर्क्स वर टू लॉन्ग पोएम्स वीनस एंड एडोनिस द रेप ऑफ लूपी। ये हो गया दोस्तों, दोबारा पॉइंट मेंशन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। It is said that Shakespeare based his Julius Caesar on certain incidents of his era. ऐसा कहा जाता है कि जो Julius Caesar है वो उस समय के कुछ खास इवेंट्स को शो करता है। Which of these is it said to be? तो इनमें से कौन सा इवेंट है जिसको ये दर्शाता है, जूलियस सीजर में इनमें से किस इवेंट को दर्शाया गया है? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों द एग्जीक्यूशन ऑफ सर वाल्टर रेले, द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड रिलेशन विद द ईस्ट, द रिवीलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स, द सुप्रीमेसी ऑफ स्पेन ऑन लैंड एंड सी। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है द रिबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स। द रिबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स का जिक्र जो है जूलियस सीजर में मिलता है, इसको उन्होंने पॉइंट आउट किया है। आइए कुछ थोड़ी सी जानकारी आप इसके बारे में देखिए। एसेक्स रिबेलियन वाज, ये जो एक विद्रोह था, वाज एन अनसक्सेसफुल रिबेलियन, ये एक असफल विद्रोह था, लेड बाय रॉबर्ट डेवरेक्स। ये रॉबर्ट डेवरेक्स के द्वारा, जो कि सेकंड अर्ल ऑफ एसेक्स थे, क्वीन एलिजाबेथ के अगेंस्ट इन्होंने इसको छेड़ दिया, एलिजाबेथ फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड एंड द कोर्ट फैक्शन लेड बाय रॉबर्ट सेसिल। रॉबर्ट सेसिल के द्वारा जो कोर्ट फैक्शन था उसको चलाया गया। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जूलियस सीजर में जो एसेक्स रिबेलियन है, विद्रोह है, रॉबर्ट डेवरेक्स के द्वारा उसको मेंशन किया गया है, क्योंकि ये जो प्ले लिखे गए एलिजाबेथ इरा के प्ले हैं और जूलियस सीजर में इसको मेंशन किया गया है। तो ये जो विद्रोह था ये क्वीन एलिजाबेथ के अगेंस्ट था दोस्तों। आगे देखिए, इन दिस प्ले ओपनिंग सीन लार्जली रिफ्लेक्ट द एसेक्स प्लॉट एंड क्लोजिंग ईयर ऑफ एलिजाबेथ। देखिए ध्यान दीजिएगा कि जो ओपनिंग सीन है उसी में एसेक्स प्लॉट देखने को मिलता है, उसके सिम्टम्स आप सुन पाते हैं।
Shakespeare has gallants at the rebellion against Queen in this play. शेक्सपियर ने वही अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है रिविलियन पर क्वीन एलिजाबेथ के अगेंस्ट वो इसमें दर्शाया है जो चला था. एक्चुअल में इस बात को आप इस तरह से मत लीजिएगा कि शेक्सपियर क्वीन एलिजाबेथ के अगेंस्ट थे, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं. यहां तक कि एक बात आपको बता दूं, कुछ क्रिटिक्स का तो ये भी मानना है कि जो डार्क लेडी है शेक्सपियर के सोनेट्स की वो क्वीन एलिजाबेथ है, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा क्रिटिक्स एकमत नहीं होते नजर आते. What can be the best explanation for the character of John Falstaff in Shakespeare's Henry IV? देखिए दोस्तों, एक कैरेक्टर है शेक्सपियर का जॉन फॉलस्टर. वो कहते हैं कि व्हाट कैन बी द बेस्ट एक्सप्लेनेशन कि जॉन फॉलस्टफ जो एक कैरेक्टर है शेक्सपियर का हेनरी फोर्थ के अंदर, उसको हम किस रूप में डिफाइन कर सकते हैं? उसको हम एक सिंपल कैरेक्टर कह सकते हैं, या उसको हम एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर कह सकते हैं, या नोवेला कह सकते हैं, या कैरिकेचर कह सकते हैं. तो अगर आप फॉलस्टफ को पढ़ चुके हैं, आपने फॉलस्टफ कैरेक्टर पढ़ा है, तो आप बड़े आराम से समझ जाएंगे कि एक व्यंगात्मक कैरेक्टर है, एक तंज वाला कैरेक्टर है, एक व्यंग करने वाला कैरेक्टर है. तो इसको हम कैरिकेचर के रूप में समझ सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं. देखिए यहां पर कुछ डिटेल मैंने लिखी है, आप इसको नोट कर लेंगे चाहेंगे या पढ़ लेंगे. Sir John Falstaff is a fictional character who appears in three plays by William Shakespeare. ये Falstaff जो है, John Falstaff, ये Shakespeare के तीन plays में इसको as a character के रूप में आप पाते हैं. His significance as a fully developed character is primarily formed in the plays. किस किस प्ले में है ये? हेनरी फोर्थ के पार्ट वन में है दोस्तों, एंड पार्ट सेकेंड, और पार्ट सेकेंड में भी है. वेयर ही इज कंपेनियन टू प्रिंस हॉल, जहां पर वो प्रिंस हॉल का साथी है, प्रिंस हॉल के साथी के रूप में उसको दिखाया गया है. द फ्यूचर किंग ऑफ हेनरी फिफ्थ, जो हेनरी फिफ्थ में इंग्लैंड के फ्यूचर किंग बन जाते हैं, इंग्लैंड के किंग बन जाते हैं. तो ध्यान रखिएगा, हेनरी फोर्थ और हेनरी फोर्थ का जो पार्ट वन है और पार्ट टू में इसको दिया गया है. आगे है दोस्तों, ही इज लार्जली ए क्रिएचर ऑफ वर्ड्स. देखिए वो व्यंग करने वाला एक क्रिएचर है, एक प्राणी है, एक व्यक्ति है. Falstaff has earned the admiration of some Shakespearean scholars. और Falstaff की बहुत सारे स्कॉलर्स ने उसके जो कैरेक्टर है Falstaff, उसकी प्रशंसा उसने पाई है स्कॉलर्स के द्वारा. बिकॉज ऑफ द सेल्फ क्रिएशन ही अचीव्स थ्रू लैंग्वेज, क्योंकि उसने जो भाषा का कौशल दिखाया है प्लेज के अंदर, उसके कारण उसको जाना जाता है. किसको? जॉन फॉलस्टफ को जाना जाता है. तंज करने के रूप में, कोई कमेंट पास करने के रूप में, किसी का मजाक उड़ाने के रूप में. तो आप ध्यान दीजिए, जॉन फॉलस्टफ इज अ फेमस कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स प्ले हेनरी फोर्थ पार्ट वन एंड पार्ट टू. आगे और सुन लीजिए, फॉलस्टफ इज एन ओल्ड फैट Disgraced knight and Prince Hall's partner. मैंने आपको बताया कि प्रिंस जो हॉल है उनका ये पार्टनर है, ओल्ड है, फैट है, disgraced है इन क्राइम, और उनका क्राइम में साथी भी है. किसका? प्रिंस हॉल का. ऑलवेज लुकिंग फॉर गुड टाइम, Falstaff eats, drinks, steals, press talks and celebrates his way through life. देखिए कुछ आदतें भी हैं, अच्छा अच्छा भोजन करना, ड्रिंक्स है ना, और बहुत सारी चीजें उनके अंदर देखने को मिलती हैं.
इन बिटवीन नैप्स ऑफ कोर्स, ये सारी चीजें हैं। अब कौन कौन से प्ले हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए हेनरी फोर्थ का पार्ट वन, हेनरी फोर्थ का पार्ट टू, हेनरी फिफ्थ और द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। एक्चुअल में अब आप कहेंगे कि सर आपने तीन बताया था, अब यहाँ पर चार कैसे हो गए? तो ये चार की क्या कहानी है इसको आप समझ लीजिए। His death is mentioned in Henry V. एक्चुअल में जो उनका रोल है वो हेनरी फोर्थ पार्ट वन में है, हेनरी फोर्थ पार्ट टू में है जिसमें वो उनके कुछ स्पीचेस हैं, लेकिन हेनरी फिफ्थ में दोस्तों केवल उनकी मृत्यु को मेंशन किया गया है। तो इस प्रकार से तीन प्ले के अंदर आप कंप्लीटली उनको देखते हैं, द मैरी वाइफ ऑफ विंडसर, हेनरी फोर्थ पार्ट टू और पार्ट वन। हेनरी फिफ्थ, देखिए हिज डेथ इज मेंशन इन हेनरी फिफ्थ बट ही हैज नो लाइंस नॉर इज इट डायरेक्टेड दैट ही अपीयर्स ऑन स्टेज, और ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है जिसमें ये कहा जाए कि वो स्टेज पर अपीयर होते हैं। तो ध्यान रखिएगा जॉन फॉलस्टफ इज ए कैरेक्टर इन हेनरी फोर्थ, हेनरी फोर्थ पार्ट वन पार्ट टू एंड द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू द कैरेक्टर वोल्टीमैन एंड कॉर्नेलियस अपीयर। देखिए दोस्तों बार बार आपको याद दिला रहा हूं, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा कैरेक्टर किस प्ले के अंदर है या नहीं है, तो आप कैरेक्टर के जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों वो जरूर याद कर लीजिएगा। और इम्पोर्टेंट बात ये है दोस्तों कि जो साइड कैरेक्टर होते हैं उनको भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जैसे यहाँ पर वोल्टीमैन और कॉर्नेलियस। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पूछा गया है कि किस प्ले के अंदर ये है, तो यहाँ ऑप्शन में दिया है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, हेमलेट, मच एडो अबाउट नथिंग और मैकबेथ। तो आपको थोड़ा सा अगर आपने हेमलेट पढ़ा हो जो मैंने पीडीएफ आपको भेजा था, तो हेमलेट प्ले के अंदर ये वोल्टीमैन और कॉर्नेलियस है। आइए इनकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं, आपको याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं। देखिए वोल्टीमैन एंड कॉर्नेलियस आर द कैरेक्टर्स अपीयर्ड इन द प्ले हेमलेट रिटन बाय शेक्सपियर। तो एक बात को कंफर्म हो गई कि वोल्टीमैन और कॉर्नेलियस जो कैरेक्टर है वो शेक्सपियर के हेमलेट प्ले के अंदर है। अब आगे देखिए, वोल्टीमैन इज ए कॉर्टियर एट क्लाउडियस कोर्ट। क्लाउडियस का जो दरबार है उसमें ये वोल्टीमैन जो है ये कॉर्टियर है, दरबारी है, और इनका एक साथी है, ही इज सेंट विद कॉर्नेलियस टू नॉर्वे। क्लाउडियस इनको आदेश देता है, किसको? वोल्टीमैन को, और वोल्टीमैन के साथ में कॉर्नेलियस भी है। ये दोनों नॉर्वे जाते हैं नॉर्वे के राजा को सूचना देने के लिए, और इनको जो भेजता है वो क्लाउडियस भेजता है। एट द बिगिनिंग ऑफ एक्ट फर्स्ट सीन सेकेंड, क्लाउडियस रेफर्स टू द सेम सिचुएशन एंड हैज कॉल्ड ऑन हिज टू एमेसरीज वोल्टीमैन एंड कॉर्नेलियस। देखिए ध्यान दीजिएगा कि क्लाउडियस वोल्टीमैन और कॉर्नेलियस को भेजता है टू गो ऑन ए मिशन, वो एक मिशन पर उनको भेजता है, कहां भेजता है? नॉर्वे भेजता है, वेयर दे शुड कंसल्ट विद द एलिंग किंग, जहां पर वो मदिरापान करने वाले राजा के साथ बात करेंगे एंड इन्फॉर्म हिम ऑफ हिज नेफ्यू, और उनको उसके राजा के नेफ्यू यानी फोर्टिन ब्रास की वर्तमान परिस्थिति स्थिति के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि वो प्लान कर रहा है डेनमार्क पर अटैक करने का। ए मैटर विच वाज किंग वाज अनअवेयर ऑफ, और किंग को इस मैटर की कोई जानकारी नहीं है। तो क्लाउडियस वोल्टीमैन और कॉर्नेलियस को भेजता है कि आप नॉर्वे के राजा के पास जाइए और उनको बताइए कि उनका भतीजा जो है वो डेनमार्क पर हमला करने का, आक्रमण करने का
प्लान कर रहा है जिसकी राजा को कोई जानकारी नहीं होती है। At second and seen second depicts the return of the two ambassadors. और ये जो दूत हैं, इनको at second seen second में बताया गया है, they reported में आकर के वापस बताते हैं that they were well received, कि उनका बहुत अच्छा स्वागत किया गया राजा के द्वारा of Norway, नॉर्वे के, and that he sends greetings, और कुछ समाचार भी वो लेकर के आए हैं, शुभकामनाएं भी लेकर के आए हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि Voldemort and Cornelius appears in Hamlet and they are the courtiers of Claudius court and Claudius send them to Norway to inform about the attacking plan of the nephew of king. जो राजा का नेफ्यू है Fortinbras है, उसको उसके प्लान के बारे में जानकारी देने के लिए वो Cornelius को और Voldemort को नॉर्वे भेजता है। कौन भेजता है? Claudius भेजता है। टू विच कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स हैमलेट डज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन अप्लाई? दोस्तों, प्यारे भाइयों, साथियों, मित्रों, ये लाइन मैं आपको बता रहा हूं द टीडियस वाइजेक्री who meddles his way to his doom. ये लाइन जो है दोस्तों, ये हैमलेट के बारे में है और आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे इसका आंसर बताइएगा कि ये लाइन किसने कही है, कहां कही है, कहां से ली गई है, ये पूरी डिटेल आप मुझे बताइएगा। और व्हाट्सएप में आप मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बता भी सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि किसके लिए इसका प्रयोग हुआ है, शब्द का, ये लाइन का, तो ये हैमलेट के लिए प्रयोग हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर एक लाइन लिखी है द टीडियस वाइजेक्री हु मैडल्स हिज वे टू हिज डूम, दिस डिस्क्रिप्शन इज फॉर हैमलेट, a character in the play Hamlet written by Shakespeare. The rest is silence. Most important question है दोस्तों, आया हुआ है, बहुत ही important शब्द है। किसके ये शब्द है ये कहा गया है? These are the last words, ये अंतिम शब्द है, of someone before his death, उसकी मृत्यु से पहले, in Shakespeare's play, Shakespeare के play में। तो किसने, किसके अंतिम शब्द है? द रेस्ट इज साइलेंस। तो आपको ध्यान देना है दोस्तों, ये सीजर के शब्द नहीं है, सीजर के शब्द थे लास्ट शब्द इट टू ब्रूटे, जिसका मीनिंग है ब्रूटस, तुमने भी मेरा कत्ल किया। तो सीजर के अंतिम शब्द है दोस्तों इट टू ब्रूटे, और यहां पर जो लास्ट है, लास्ट वर्डिंग्स है द रेस्ट इज साइलेंस, दीज आर द वर्ड्स फ्रॉम द माउथ ऑफ हैमलेट। दोस्तों, ये हैमलेट प्ले में हैमलेट की ही स्पीच है और हैमलेट की लास्ट वर्ड है द रेस्ट इज साइलेंस। अब यहां पर आपको जानकारी देता हूं ताकि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाए। द रेस्ट इज साइलेंस का मतलब है और मेरी मृत्यु के बाद सब कुछ नष्ट हो जाएगा, यानी कि सब कुछ दब जाएगा, जो भी झगड़ा है, विवाद है, वो समाप्त हो जाएगा। तो मेरी मृत्यु को ही सब कुछ समझा जाए, द रेस्ट इज इन साइलेंस। तो ये हैमलेट की स्पीच है, आइए थोड़ी डिटेल समझते हैं। द रेस्ट इज साइलेंस, दीज आर द लास्ट वर्ड्स सेड बाय हैमलेट इन शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट। शेक्सपियर के प्ले हैमलेट में ये शब्द जो है, ये हैमलेट के अंतिम शब्द है। दीज वर्ड्स आर स्पोकन बाय हैमलेट टू होरेशियो, ये शब्द हैमलेट ने होरेशियो से कहे हैं। व्हेन ही इज गोइंग टू डाई, जब वह मरने वाला होता है। हैमलेट सेड टू होरेशियो टू इन्फॉर्म Fortinbras टू बी द नेक्स्ट किंग। हैमलेट होरेशियो से कहता है
कि अब तो मेरा संदेश, चूंकि मैं मरने वाला हूं, यह जो विष है यह मुझे मार रहा है और मेरी मृत्यु जल्दी ही हो जाएगी, मैं वो समय नहीं देख पाऊंगा जब 14 ब्रास राजा बनेगा, तो तुम जाकर के 14 ब्रास को कहना कि मैं चाहता हूं कि वो राजा बने, वो नेक्स्ट राजा बन जाए। और उसी के बाद वो मरता है और कहता है द रेस्ट इज साइलेंस, कि जो भी विवाद है वो समाप्त हो जाएंगे, मेरी मृत्यु उन सभी को कवर कर लेगी। तो द रेस्ट विल बी कवर्ड बाय माय डेथ, कि जो भी बचा कुचा मैटर है उसको मेरी मृत्यु के द्वारा कवर कर लिया जाएगा, यानी वह सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो द रेस्ट इज साइलेंस आर द लास्ट वर्ड्स ऑफ हैमलेट इन द प्ले। हैमलेट सेड टू होरेशियो टू इन्फॉर्म समथिंग अबाउट टू बी द किंग ऑफ डेनमार्क। द नेम ऑफ मैकबेथ वाइफ इन द प्ले मैकबेथ। मैकबेथ की वाइफ का नाम क्या है? कॉर्डेलिया, कल्पूर्निया, डेस्टिमोना, नन ऑफ द एबव। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो प्ले है मैकबेथ, उस मैकबेथ में मैकबेथ की वाइफ का कोई पर्टिकुलर नाम मेंशन नहीं किया गया है, उसको केवल लेडी मैकबेथ के नाम से एड्रेस किया गया है। तो यहां पर जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी, नन ऑफ द एबव। प्ले के अंदर फिर से सुन लीजिए, लेडी मैकबेथ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसके बिना इस प्ले की कल्पना नहीं की जा सकती, उसका वास्तविक नाम मेंशन नहीं किया गया है। थोड़ी सी जानकारी, द रियल लेडी मैकबेथ नेम वाज ग्रॉ। जो रियल लेडी मैकबेथ थी, जहां से पात्र लिया गया है, उस पात्र की जो पत्नी का रियल नाम था वो ग्रॉच था दोस्तों, लेकिन इस प्ले के अंदर मैकबेथ की पत्नी का नाम मेंशन नहीं किया गया है, केवल उसको लेडी मैकबेथ के रूप में दर्शाया गया है। हु फर्स्ट इंपोर्टेड सोनेट टू इंग्लैंड। सोनेट को इंग्लैंड में लाने का श्रेय किसको जाता है? सर फिलिप सिडनी, सर थॉमस वॉट, शेक्सपियर, मिल्टन। तो द करेक्ट आंसर इज, अगर आपने सोनेट वाला वीडियो हमारा देख रखा है तो आपको बहुत अच्छे से ये डिटेल पूरी पता होगी कि इंग्लिश सोनेट या इंग्लिश सोनेट का जो ओरिजिनेटर कहा जा सकता है या ब्रिंगिंग कहा जा सकता है, वो सर थॉमस वॉट को कहा जाता है। तो हु फर्स्ट इंपोर्टेड सोनेट टू इंग्लैंड, कौन लाया? सर थॉमस वॉट। आइए थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूं। द सोनेट वॉज फर्स्ट इंपोर्टेड टू इंग्लैंड इन द अर्ली 16th सेंचुरी बाय सर थॉमस वॉट। तो आपको सेंटेंस बड़ा स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि 16th सेंचुरी में इंग्लैंड में सोनेट को लाने का श्रेय सर थॉमस वॉट को जाता है। अब ये है क्या? ए सोनेट कंसिस्टिंग ऑफ 3 quatrains, 3 quatrain वाला, 4-4 लाइनों के 3 stanza वाला, एंड ए कपलेट, और एक कपलेट के साथ अंत होने वाला जो वर्क है जिसकी राइम स्कीम ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ जी जी है। दोस्तों इंग्लिश सोनेट की जनरल राइम स्कीम यही है, कई बार एग्जाम में राइम स्कीम भी पूछ ली जाती है, तो आप इसको जरूर 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 याद कर लीजिएगा। और यही राइम स्कीम दोस्तों शेक्सपियर सोनेट की भी है, क्योंकि इंग्लिश सोनेट इज ऑल्सो कॉल्ड शेक्सपियरन सोनेट। अंग्रेजी सोनेट को शेक्सपियरन सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यही राइम स्कीम सोनेट शेक्सपियर के सोनेट की भी है, तो आप इसको याद रख लें। इंग्लिश सोनेट की राइम स्कीम पूछता है तो जनरली यही होगी, शेक्सपियरन सोनेट की राइम स्कीम पूछता है तब भी यही होगी। अब बात करते हैं मूल सोनेट की। तो इटालियन सोनेट, अ सोनेट कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑक्टेव राइमिंग ए बी बी ए ए बी बी ए एंड ए सस्टेट राइमिंग इन एनी ऑफ वेरियस पैटर्न्स सच एज सी डी ई सी डी ई और सी डी सी और डी सी डी। तो जो वास्तविक फॉर्म है, यानी जहां पर सोनेट की शुरुआत हुई, वो है इटली। और इटली में जो बेसिक सोनेट था दोस्तों वो ऑक्टेव में, मैंने आपको बता रखा है कई बार,
आठ लाइनों में बटा होता था, जिसकी राइम स्कीम अब्बा अब्बा आप कह सकते हैं, याद कर लीजिएगा ट्रिक से। और जो लास्ट का सस्टेट बचता है, छह लाइनों वाला पोर्शन बचता है आठ के बाद, क्योंकि टोटल जो लाइन होती है दोस्तों सोनेट में वो 14 होती है, तो 8 का सेक्शन ऑक्टेव कहलाता है और 6 वाला सेक्शन सस्टेट कहलाता है। ऑक्टेव की राइम निश्चित होती है लेकिन सस्टेट की राइम अलग अलग होती है। जनरल जो राइम है दोस्तों वो यहां पर दी हुई है, ये वाली राइम होती है, ध्यान रखिएगा। ये ही पहली फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म जो है सोनेट की वो यही है। इटालियन सोनेट इज ऑल्सो कॉल्ड पेट्रार्कन सोनेट, इटालियन सोनेट को ही पेट्रार्कन सोनेट भी कहा जाता है। सोनेट इज ओरिजिनेटेड इन इटली, सोनेट की शुरुआत इटली में मानी जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिएटर कंपनीज वॉज ओन बाय शेक्सपियर वेयर हिज मास्टरपीस वर फर्स्ट परफॉर्म्ड, इनमें से किस कंपनी को शेक्सपियर ने आउन कर लिया था, ले लिया था, तो वुडन ग्लोब, रोज, कर्टेन, तो करेक्ट आंसर है ग्लोब। आइए ग्लोब के बारे में, ग्लोब थिएटर के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, जिससे आपका क्वेश्चन अगर आए तो वो बचेगा। द ग्लोब थिएटर वॉज ए थिएटर इन लंदन एसोसिएटेड विद विलियम शेक्सपियर। देखिए विलियम शेक्सपियर का जो पर्टिकुलर नाम लिया जाता है वो ग्लोब थिएटर से कनेक्ट किया जाता है। एक और थिएटर का नाम लिया जाता है ब्लैक फ्रायर थिएटर, लेकिन ब्लैक फ्रायर थिएटर से ज्यादा जो उनका कनेक्शन है वो ग्लोब थिएटर के साथ है, ध्यान दीजिएगा। इट वॉज बिल्ट इन 1599। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्लोब थिएटर कब बना, 1599 में, बाय शेक्सपियर्स प्लेइंग कंपनी, जो शेक्सपियर की प्लेइंग कंपनी है इसका नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, ध्यान रखिएगा शेक्सपियर की प्लेइंग कंपनी लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। एक्चुअली शेक्सपियर ने इस कंपनी को ज्वाइन किया है, ध्यान दीजिएगा, और उसी कंपनी के द्वारा ये थिएटर बना ऑन लैंड ओन्ड बाय थॉमस ब्रैंड, जिसको एक जमीन पर बनाया गया और वह जो जमीन थी वो थॉमस ब्रैंड की जमीन थी, एंड इनहेरिटेड बाय हिज सन, और उसको उनके सन निकोलस ब्रैंड के द्वारा इनहेरिटेड किया गया, विरासत में मिली, एंड ग्रैंडसन सर मैथ्यू ब्रैंड, और उनका बेटा पोता यानी कि सर मैथ्यू ब्रैंड। तो इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना याद रखिए कि ग्लोब थिएटर का जो निर्माण हुआ है वो 1599 में हुआ है, और कौन सी कंपनी, लॉर्ड चैम्बरलेन्स कंपनी, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। आगे ध्यान से सुनिए, वाज डेस्ट्रॉयड बाय फायर, आपसे पूछा जाएगा कि ग्लोब थिएटर में आग कब लगी, तो 1613 में, 1613 में ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी, वहां पर प्रीमियर चल रहा था, ओपनिंग चल रही थी प्ले की, मुझे नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा आगे, तो उसी के दौरान उसमें जो है आग लग गई 1613 में। अ सेकेंड ग्लोब थिएटर वॉज बिल्ट ऑन द सेम साइट बाय जून 1614, और 1614 में दोबारा से उसको उसी स्थान पर बना दिया गया, एंड क्लोज बाय एन ऑर्डिनेंस, और फिर उसको बंद कर दिया गया 1642 में। क्यों बंद कर दिया गया दोस्तों, एक ऑर्डिनेंस पास किया गया, उस समय सभी थिएटर्स को बंद कर दिया गया था। ए मॉडर्न रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्लोब नेम्ड शेक्सपियर्स ग्लोब, अभी एक नया कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है जिसको शेक्सपियर्स ग्लोब थिएटर के नाम से जाना जाता है, जिसको 1997 में ओपन किया गया है दोस्तों, फ्रॉम द साइट ऑफ ओरिजिनल थिएटर, उसी ओरिजिनल थिएटर के स्थान पर, ध्यान रखिएगा। द ग्लोब थिएटर वॉज बिल्ट इन 1599 यूजिंग टिम्बर फ्रॉम द अर्लियर थिएटर, वो वहां पर जहां पर ग्लोब थिएटर बनाया गया उससे पहले दोस्तों वहां पर द थिएटर नाम का एक और थिएटर हुआ करता था, विच हैड बीन बिल्ड बाय रिचर्ड बारवेज, जिसको रिचर्ड बारवेज के फादर जेम्स बारवेज ने बनाया था। आप ध्यान दीजिए, अब ये रिचर्ड बारवेज कौन है,
दोस्तों ये रिचर्ड बार्बेज वही हैं जिनके द्वारा ग्लोब थिएटर को पार्टिसिपेट किया गया, सबसे ज्यादा शेयर होल्डर यही थे दोस्तों रिचर्ड बार्बेज। ध्यान दीजिएगा, रिचर्ड बार्बेज ग्लोब थिएटर को चलाने वाले और इनके पिता का थिएटर जेम्स बार्बेज का था द थिएटर। द थिएटर के स्थान पर ही ग्लोब थिएटर बनाया गया। तो ये जानकारी आपको काफी लग रही होगी, थोड़ा आराम से आप सुन करके कर लीजिएगा ताकि आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। शेक्सपियर स्टेड विद द चैम्बरलेन्स मैन और ग्लोब थिएटर का ही उसी को चैम्बरलेन्स मैन कहा गया, विच वुड लेटर इवॉल्व इनटू किंग्समैन और बाद में चैम्बरलेन्स कंपनी का नाम बदल करके किंग्समैन कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग जेम्स, क्योंकि वो किंग जेम्स के अंडर में आ गई थी। फॉर द रेस्ट ऑफ हिज कैरियर, बाकी समय में ही ऑल्सो बिकम ए मेंबर ऑफ द सिंडिकेट्स विच ओन द ग्लोब एंड द ब्लैक फ्रायर थिएटर। और ध्यान दीजिए, ग्लोब थिएटर और ब्लैक फ्रायर थिएटर से शेक्सपियर का संबंध है। फॉर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स विलियम शेक्सपियर वॉज इट्स रेगुलर ड्रामेटिस्ट। देखिए 21 वर्षों तक वो उसके रेगुलर ड्रामेटिस्ट रहे, प्रोड्यूसिंग ऑन एवरेज 2 प्लेज अ ईयर, और कम से कम 2 प्ले वहां हर साल लिखा करते थे, उनको उनका परफॉर्मेंस चलता था। ओ गॉड हाउ वेरी स्टेल दैट फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू मी। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ड, मेरे को संसार में कोई भी चीज अब प्रभावित नहीं करती है, सभी चीजें मेरे को वियरी, थकाऊ, उबाऊ, बासी, अनप्रॉफिटेबल, अलाभकारी नजर आती हैं। मैं अपने पिता की मृत्यु से इतना शोक में हूं कि मेरे को हर चीज जो है वो बासी, अरुचिकर, निराशाजनक, दुख देने वाली, उबाऊ प्रतीत होती है। यह संसार मेरे लिए अब कोई भी आनंद की वस्तु नहीं रखता है। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीच है, पूछा गया है। तो जैसे ही मैंने आपको कहा कि पिता की मृत्यु की बात हो रही है, तो आप समझ गए होंगे दिस स्पीच इज स्पोकन बाय हैमलेट इन द प्ले हैमलेट। द गिवन लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम एक्ट सेकंड एंड सीन सेकंड ऑफ शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट। Here we see Hamlet's first soliloquy। दोस्तों ये हैमलेट की फर्स्ट सोलोलॉकी है। सोलोलॉकी का मतलब होता है दोस्तों अपने आप से बात करना, अकेले में बड़बड़ाना, मन में सोचना और कुछ उच्चारण के साथ दूसरों को। याद रखिएगा, सोलोलॉकी का मतलब ही अपने आप से अपने विचारों में बात करना है। Hamlet is mourning on the death of his late father। हैमलेट अपने पिता की मृत्यु पर शोक प्रकट कर रहा है। He is so grieved by his father's death that he himself wishes to die। वे अपने पिता की मृत्यु से इतना निराशा में है कि वह स्वयं भी मरना चाहता है। तो वही बात दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि ओ गॉड हे ईश्वर, हे इज़ हाउ वेरी, कितना उबाऊ है, कितना थकाऊ है, स्टेल, बासी है, फ्लैट है, अनप्रॉफिटेबल है, यह संसार मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं रखता, सब कुछ निराशाजनक है। अपनी पिता के अपने पिता के मृत्यु का उस पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है और वो खुद भी जीना नहीं चाहता। क्रोनिकल प्लेज वर वेरी पॉपुलर इन। दोस्तों क्रोनिकल, क्रोनिकल का मतलब क्रमागत, डेट वाइज। तो पूछा गया है कि ये प्लेज कब बहुत ज्यादा फेमस रहे, 19th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में। तो दोस्तों क्रॉनिकल प्लेस यानी कि डेट वाइज जो प्ले हैं, सीक्वेंस वाले जो प्ले हैं, वो 16th सेंचुरी में बहुत ज्यादा फेमस रहे हैं, सीधा आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में पीरियोडिकल जो एसेज हैं उनका दौर शुरू हो गया दोस्तों, वो बहुत ज्यादा फेमस रहे। तो ये डिटेल है, आप इसको पढ़ लीजिएगा सेल्फ से, मैं इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप ध्यान दीजिएगा। Which of the following is not authored by William Shakespeare? इनमें से कौन सा शेक्सपियर का वर्क नहीं है? हैमलेट है, टेम्पेस्ट है, जूलियस सीजर है और ये लास्ट वाला दोस्तों ये
नहीं। द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज रिटन बाय, किसने लिखा है? शेक्सपियर ने लिखा है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। विलियम शेक्सपियर हैज द सोब्रिक्वेट, सोब्रिक्वेट कहिए, निकनेम कहिए और सुडोनियम कहिए दोस्तों, तो आपसे पूछ लिया जाएगा सोब्रिक्वेट क्या है, सुडोनियम क्या है, निकनेम क्या है, तो आप बता दीजिएगा क्या। बार्ड ऑफ एवन इनको कहा जाता है, स्वीट स्वान ऑफ एवन इनको कहा जाता है, स्वीट ध्यान रखिएगा, स्वीट स्वान ऑफ एवन, स्वीट स्वान ऑफ एवन भी इनको कहा जाता है दोस्तों, और बार्ड ऑफ एवन भी इनको कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, नोट कीजिए, मेहनत कीजिए, लर्न करिए, फिक्स करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।